दिन भर के सह प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी। साई प्रणाम, सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं जयवर्धन राय। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी वन परिवार की तरफ से दर्शकों से अपील, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। कमिश्नर कार्यालय, कलेक्ट्रेट परिसर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय 48 घंटों के लिए किया गया बंद, पुलिस लाइन 14 दिनों के लिए हुआ सील। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने संबंधित अधिकारियों के साथ राजघाट व कोतवाली थाना क्षेत्र के हॉटस्पॉट का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। शिकायत पर बलदेव प्लाजा में ग्राहक बनकर पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट ने मोबाइल की दुकान को कराया सील। 18 जुलाई तक 3 थाना क्षेत्रों में संपूर्ण लॉकडाउन को कड़ाई के साथ पालन कराने के लिए अधिकारी भ्रमण कर लोगों से कर रहे हैं घरों में रहने की अपील। जेल में बंद 2 बंदियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से हड़कंप, अधिकारियों ने कहा सभी कैदियों का होगा कोविड-19 टेस्ट। और मानीराम के पूर्व विधायक का खपड़ैल का मकान बारिश में गिरा, खुले आसमान में जीवन यापन करने को मजबूर। तेजी से पांव पसार रहे कोरोना वायरस की जद में अब सरकारी विभाग और उनके कर्मचारी आ रहे हैं। मंडल आयुक्त, जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय को 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं पुलिस लाइन 14 दिनों के लिए सील किया गया है। मंगलवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ऑफिस में एक कांस्टेबल के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद जिला प्रशासन ने कलेक्ट्रेट परिसर को पूरी तरीके से 2 दिनों के लिए बंद करने का फैसला लिया है। इस संबंध में एडीएम वित्त राजेश कुमार सिंह ने पत्र जारी कर इस बात की पुष्टि की है। कलेक्ट्रेट परिसर को 2 कार्य दिवसों के लिए दिनांक 15 और दिनांक 16 तारीख को, इस हेतु की यहां पर काफी लोग आते जाते हैं, इसको सैनिटाइज कर दिया जाए जिससे आगे जो भी व्यक्ति यहां कलेक्ट्रेट परिसर में आ रहे हों वो सुरक्षित रहे। इस हेतु मात्र 2 दिवसों के लिए कलेक्ट्रेट परिसर को आम जनता के लिए और सभी कार्यालयों को भी बंद कर दिया गया है। कल इसको पूरी तरह से, आज और कल में पूरी तरह से इसको सैनिटाइज कर दिया जाएगा और मंडे से फिर ये आम जनता के लिए खुला रहेगा। कल ही सभी न्यूज एजेंसीज को ये बता दिया गया था जिससे लोगों को जानकारी हो जाए। आज सुबह मैंने गेट पर देखा कुछ लोग एकत्र थे जिनको अब सूचना हो गई है। मैं कार्यालय के आसपास ही हूँ और अब यहाँ पर कोई भीड़ नहीं, सबको जानकारी हो गई और ये आम जन की सुरक्षा के लिए ही किया गया है। सैनिटाइजेशन हो जाएगा तो भविष्य में अगर वो आएंगे तो संक्रमित होने से बचे रहेंगे। हमारे मेन गेट पर ही हेल्प डेस्क लगी हुई है जो उनको ये बता रही है कि यदि आपका कोई आवश्यक कार्य है तभी आप कलेक्ट्रेट परिसर में प्रवेश करें, यदि आवश्यक कार्य नहीं है तो इधर उधर ना घूमें और घर लौट जाएं। कलेक्ट्रेट में कोई कोर्ट नहीं चल रही है, केवल कार्यालय चल रहे हैं और कार्यालय में सभी लोग मोबाइल पर उपलब्ध हैं। यदि कहीं से कोई रिंग करके कोई सहायता चाहता है तो उसको उपलब्ध करा रहे हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता द्वारा कोतवाली राजघाट क्षेत्र में हॉटस्पॉट क्षेत्रों का निरीक्षण कर मौजूद लोगों से घरों में रहने की अपील की। वहीं मौजूद सुरक्षा कर्मियों को निर्देशित भी किया कि भीड़भाड़ की स्थिति उत्पन्न न हो। इस दौरान क्षेत्राधिकारी कोतवाली बीपी सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, अपने घरों में रहें। बेवजह पकड़े जाने पर आपके अपने घरों में रहें, बेवजह न घूमें। बेवजह पकड़े जाने पर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हाथों को बार बार धोते रहिए, मास्क लगाएं। मास्क लगाइए, मास्क।
कोरोना का प्रकोप बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, इस वजह से आपके यहाँ बहुत बच के रही है, बहुत ज्यादा बढ़ गया है कोरोना, इसीलिए लॉकडाउन करना पड़ा है। अभी घर से बाहर निकले नहीं, ये गली कौन सी है, क्यों खुली है सर? आगे सब बंद है, बीच में जाने पर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बेवजह पकड़े जाने पर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हाथों को बार बार धोते रहिए, मास्क लगाएं, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, अपने घरों में रहें। फालतू घूम रहे भाई आप लोग, कौन सा काम है, हेलमेट कहाँ है, किधर है हेलमेट? एक तो शादी की एफ आई आर लगेगी आप लोगों को मस्जिद के। लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, अपने अपने घरों में रहें, हेलमेट लगाइए और मास्क भी, सबको बार बार धोते रहिए, अपने घरों में रहें। कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हाथों को बार बार धुलिए, मास्क का प्रयोग करिए, हेलमेट लगाइए, बाहर न घूमे, बेवजह पकड़े जाने पर आपके खिलाफ कानून। लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, अपने घरों में रहें, वजह पकड़े जाने पर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वापस जाओ, वापस जाओ, वापस निकलो, बिना हेलमेट काम नहीं है। हाँ, खास के लिए सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता ने बताया, जैसा कि आपको पता ही है कोरोना का केस दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। सर्किल कोतवाली में इस समय बहुत दर्जनों की संख्या में कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और तकरीबन 15 के आसपास हॉटस्पॉट थे, तो शासन के निर्देशानुरूप जो है हॉटस्पॉट्स के इर्द गिर्द फिर इसको पूरी तरह से क्वारंटाइन करने के लिए इस 3 थाना क्षेत्रों में जो है लॉकडाउन दिया गया है संडे तक का। उसी का जायजा लेने के लिए आज हम लोग सड़कों पर हैं और लोगों को चेतावनी दे रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि कोरोना दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, उससे कैसे बचें, और भीड़ भाड़ रोकने के लिए लॉकडाउन दिया गया है। लोग आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी करें। आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहूँगा कि इसको केवल मास्क के प्रयोग से, उचित दूरी के प्रयोग से और हाथ बार बार धोकर सैनिटाइज करके ही रोका जा सकता है। सर, कुछ लोग बाहर भी दिख रहे हैं उसके बाद जी, उन सब का कानूनी रूप से कार्रवाई करा के उनका चालान किया जा रहा है और नियमित तौर पर 100 से 150 FIR दर्ज हो रही हैं और लोगों को लगना चाहिए बाद में FIR कष्टकारी होती हैं। वैश्विक महामारी के बीच जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की अपील को कई प्रतिष्ठान संचालकों द्वारा नज़रअंदाज किया जा रहा है। गोलघर स्थित बलदेव प्लाजा कॉम्प्लेक्स में रोटेशन के नियमों को दरकिनार कर कुछ मोबाइल के दुकानदारों द्वारा अपनी दुकानों को खोलकर मोबाइल बनाने और बेचने का कार्य किया जा रहा था, जिसकी सूचना सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव को मिली, जिस पर सिटी मजिस्ट्रेट खुद एक ग्राहक बनकर बलदेव प्लाजा कॉम्प्लेक्स में आए और मोबाइल के दुकानदार से मोबाइल खरीदने की बात कही।
जिस पर दुकानदार ने दुकान का शटर खोलकर मोबाइल बेचने का कार्य कर ही रहा था कि इसी बीच सिटी मजिस्ट्रेट ने विधिक कार्रवाई करते हुए दुकान को सील कर दिया और सख्त हिदायत दी कि यदि रोटेशन के विरुद्ध कोई भी दुकान खुली पाई जाती है तो उन्हें सील कर कठोर कार्रवाई की जाएगी। सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने बताया। देखिए, रोस्टर डिसाइड किया गया जिला प्रशासन की तरफ से, जिलाधिकारी महोदय की तरफ से रोस्टर डिसाइड किया गया है कि जिसमें किन किन श्रेणी दुकान किस किस दिन खुलेगी, ये डिसाइड हुआ है। पर यह शिकायत आ रही थी कि बलदेव प्लाजा में कुछ मोबाइल की दुकानें रोस्टर विपरीत दुकानें खोल रही हैं, तो उसी क्रम में औचक निरीक्षण किया गया और यह निरीक्षण करने पर सही पाया गया कि कई ऐसे दुकानदार हैं जिनके एजेंट्स नीचे बैठे हुए हैं और वो ग्राहकों को बुला के उनको सामान दिखवाते हैं और उसके जब फाइनल हो जाता है तो फिर ऊपर जाके दुकान खोल के सामान बेच देते हैं। तो ये सरासर जो जिला प्रशासन गाइडलाइन उसका उल्लंघन है। तो उसी क्रम में औचक छापेमारी की गई तो उसमें एक दुकानदार को रंगे हाथ पकड़ा गया है और उनके द्वारा जो मोबाइल था उसको बेचा जा रहा था, तो वो दुकान को तत्काल सील कर दिया गया और उस पर अग्रतः वैधानिक कार्रवाई जो है वो की जा रही है। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो, तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आइए देखते हैं दिनभर। शहर के 3 प्रमुख थाना क्षेत्रों में जिला प्रशासन के निर्देश पर 18 जुलाई तक का संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा के बाद लॉकडाउन को कड़ाई के साथ पालन कराने के लिए जिला प्रशासन लगातार कोतवाली सर्किल के तिवारीपुर, राजघाट और कोतवाली थाना के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण कर लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि लोग घरों में रहकर सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के नियमों का पूरी तरीके से पालन करें। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एडीएम सिटी आरके श्रीवास्तव ने बताया। ज़रूरत की जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे सब्जी है, दूध है, राशन है और दवाइयां हैं, इन सब की इस दुकानों से ऑनलाइन सप्लाई हो रही है। किसी भी प्रकार से जनता को कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी। पहले भी 70 दिन उन्होंने लॉकडाउन में हर चीज़ घर बैठे पाई है, तो ये 5-7 दिन का कोई पीरियड बहुत चैलेंजिंग नहीं है, लेकिन कोरोना को फैलने से रोकने के लिए ये सख्त निर्णय जिला मजिस्ट्रेट साहब ने लिया है। उनके मैं चालान घूम घूम के कर रहा हूँ, आज भी कल भी 2 चालान किए थे, आज भी अभी रास्ते में 3 चालान करके आ रहा हूँ, वो डिटेल अभी आपको मिल जाएगा। और जो भी अनावश्यक घूम रहे हैं, 188 का मुकदमा भी पुलिस दर्ज करेगी। चैनल के माध्यम से बस यही अपील है, खुद को सुरक्षित रखें, घर में सुरक्षित रहें और बेहद आवश्यक काम से जो संभव घर में नहीं है केवल उसके लिए निकले, तब भी पूरा मास्क लगा के निकले और 2 मीटर की डिस्टेंस के साथ जाएं और जहां आवश्यक काम होने के बाद तुरंत वापस घर लौट आएँ। शहर में कहीं अनावश्यक घूमने की आवश्यकता नहीं है, ये जीवन का भय है, तो इसलिए इसको सुरक्षित करना है। सुरक्षा ही कोरोना का इलाज है।
सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने बताया। देखिए, जनता के लिए स्ट्रिक्ट नियम आ गया है कि जो भी घर से बाहर निकले, वैसे तो अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलना भी नहीं है, पर जो भी निकले वो मास्क का जरूर उपयोग करें। तो इसी क्रम में आज थाना कोतवाली, राजघाट, कैंट और मंडी के क्षेत्र में निरीक्षण किया गया और इंस्पेक्टर्स की टीम भी लगी थी, मंडी इंस्पेक्टर्स की टीम भी लगी हुई थी। तो जो भी आदमी बिना मास्क के घूम रहा था या अनावश्यक रूप से घूम रहा था उसका विधिक रूप से चालान किया गया है। लगभग 25,000 रुपये का चालान किया गया है और आगे जनता को ये भी बताया गया है कि वो अनावश्यक रूप से बाहर ना निकलें और सभी मास्क का उपयोग करें। गोरखपुर के मंडलीय कारागार के मिलेनियम बैरक में बंद दो बंदी जहां कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, वहीं उस बैरक में रह रहे 50 बंदी भी इस खतरे की जद में आ गए हैं। साथ ही 2200 से अधिक बंदियों के ऊपर कोरोना का खतरा खड़ा हो गया है। कोरोना के एंटीजन रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद अस्थायी जेल से इन दोनों बंदियों को मुख्य जेल में ट्रांसफर किया गया था, पर अब PCR रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मच गया है। अन्य सभी बंदियों को क्वारंटाइन करते हुए उनकी जांच की तैयारी शुरू कर दी गई है। जेल प्रशासन अब मिलेनियम बैरक समेत मुख्य जेल का अस्पताल, अन्य बैरक, डिप्टी जेलर का कार्यालय, अस्थायी जेल को सैनिटाइज करवा रहा है। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी व तहसीलदार सदर डॉक्टर संजीव दीक्षित ने बताया, जो दो कैदी RT-PCR पॉजिटिव मंडलीय कारागार में पाए गए हैं उनको तुरंत आइसोलेट करके हमने कोविड हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया है और उस वार्ड के सैनिटाइजेशन और खाली करके दूसरे वार्ड में उन लोगों को शिफ्ट किया गया है। उन लोगों का मैं चाहूँगा कि विद इन 5 डेज सभी का हम सैंपल करके एक बार ये देख लें कि किसी को संक्रमण उस दो संक्रमित व्यक्ति से तो नहीं फैला है, उसकी हम प्लानिंग कर रहे हैं और उनके सबके हम टेस्ट करा लेंगे। ये बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि अगर संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में कोई आया है और वो संपर्क लंबा रहा है और कोई एहतियात कम बरता गया है तो बिल्कुल हो सकता है। देखिए, दो तरीके हैं, एक तो ये है कि मिक्सिंग करके भी होता है, एक बंच बन जाता है सैम्पलिंग का, उसको वो आसान होगा कि हम एक बार मिक्सिंग करके निकालें, अगर जिस छोटे छोटे बैचेस बना के तो उसमें हम लोग जल्दी कर पाते हैं। आप देख रहे होंगे सैंपल लेने में हार्डली 1 से 2 मिनट का समय लगता है। उनकी ट्रैवल हिस्ट्री भी निकालेंगे जो पॉजिटिव आए हैं। देखिए, जो 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 सेल से पाए गए, प्राइमरली यही तरीका है कि उनके जो डायरेक्ट टच में आए उनको हम लोग ट्रस्ट करते हैं पहले। माना जाए कि खतरा बढ़ गया होगा और लोगों को? जी बिल्कुल बिल्कुल, इसके चूँकि आपको देख ही रहे हैं लगातार अभी वायरसेस का प्रकोप तेज हो गया है, अभी बरसात में थोड़ा टेम्परेचर डाउन होने से, ह्यूमिडिटी बढ़ने से भी शायद इसमें इजाफा हो रहा है। 12 जुलाई की देर रात की झमाझम बारिश ने मानीराम विधानसभा के पूर्व विधायक हरिद्वार पांडे का खपड़ैल का मकान अचानक गिर गया। इस हादसे में कोई भी सदस्य घायल नहीं हुआ, लेकिन मकान गिरने के बाद पूर्व विधायक का परिवार पूरी तरह सदमे में है और खुले आसमान के नीचे जीवन यापन करने को मजबूर है। बता दें कि हरिद्वार पांडे 1980 से 1985 तक मानीराम विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के विधायक रहे। 88 साल की उम्र में उनके पास जमा पूंजी के नाम पर मानीराम में करीब 2.5 बीघा जमीन और 1 खपड़ैल का मकान है जो बारिश की भेंट चढ़ गया। अपनी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के कारण पूर्व विधायक का नाम हमेशा सुर्खियों में रहा है। यही कारण है कि विधायक रहने के बाद भी वह आधुनिक चकाचौंध से काफी दूर रहकर समाज सेवा का कार्य करते रहे। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पूर्व विधायक हरिद्वार पांडे ने बताया, बहुत अंतर हो गया है। लोग जाते जाते पहले मकान, कोठी, गाड़ी घोड़ी, बंगला बना लेते, हम इससे बिल्कुल दूर रहे क्योंकि हमारा गांव से संपर्क खत्म हो जाएगा। तो हम गांव को जो रोजमर्रा हम जिंदगी देखते हैं गांव वालों का, उससे हमसे ज्ञान नहीं होगा और ज्ञान नहीं होगा तो हम असली आदमी तुम्हारा खेती करने वाला गांव का मजदूर है, किसान है, उसके साथ अगर हमको जानकारी संबंध नहीं रखते तो हम इस शहर के लोगों को तो सारी सुविधा लेते हैं और लेते भी हैं, शिकायत भी करते हैं और गाँव वाला जो है काम करता है, काम करने के बाद भी भूखा रहता है और देखते हैं नंगे बदन, बदन पर कपड़ा नहीं होता था, पैर में जूता नहीं होता था, ये बगैर जूता और बगैर कपड़े की खेतों में काम करते थे। हमारे भाई साहब खुद खेती कराते थे, हमारे भाई साहब पढ़ गए हैं और जब हमें ज्ञान हुआ, जब वो जानवरों का जो
नहर में पानी डालते थे तो 4 बजे वो बांध देते थे और सवेरे बैल जाते थे हर जोतने के लिए और लोग। तो मैं जब कहता था कि 4 बजे आखिर कैसे बांधते हैं, हाथ तो इतना ठंडा लग रहा है, और मैं सुबह जब हमसे कहते थोड़ा खा डाल दो नहर में, कोई ऐसे खुदी डाल दो ताकि बैल खा ले, तो उसको डालता तो हम लोग करीब इतना ठंडा हाथ है। इससे ये ज्ञान हुआ कि ये हमारे गार्जियन हैं और हमारे लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, जबकि कोई नौकरी नहीं करते, नौकरी नहीं करने की तैयारी थी, गांव में रहेंगे खेती करेंगे। तो उससे हमको लगा कि हमको अगर गांव में रहना है तो हमको अपना सही जीवन अपने व्यतीत करना पड़े। दिन भर में बस इतना ही, अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।